नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। आज 12 जनवरी को जबलपुर में अमित शाह आए हुए हैं और इसी सिलसिले में NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह मंत्री को काले झंडे दिखाने की योजना थी, जिन्हें काले झंडे दिखाने के पहले ही इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और घर में नज़रबंद करके रखा गया था। इसी मुद्दे को लेकर के हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये जो प्रदर्शन था आपका अमित शाह जी को काले झंडे दिखाने का, तो ये किस कारण से था? हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा जी, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से रहा। हमने प्रशासन को हफ्ते भर पहले ही खबर दे दी थी कि हम गृह मंत्री अमित शाह की जबलपुर में होने वाली रैली का विरोध करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पुलिस के तानाशाह रवैये के कारण आज हम जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से निकल रहे थे, तो घरों से निकलने के पहले ही हमें बिना सूचना के हमें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और हमारे आंदोलन को कुचला गया जी, ताकि हम अमित शाह जी का विरोध ना कर सकें। लगभग कितने कार्यकर्ता आपके साथ इसमें? पूरे जबलपुर शहर में, आप कार्यकर्ताओं की बात ना करें, पूरे जबलपुर शहर में सैकड़ों कार्यकर्ता, NSUI के, यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के, सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन ना करने के नाम पे क्या कहते हैं गिरफ्तार किया गया है, उनकी आवाज़ को दबाया गया है ताकि देश के गृह मंत्री का हम विरोध ना कर सकें। ये प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया? एक तरफ पूरे देश में NRC CAA के और NPR के नाम पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, JNU स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण तरीके से हजारों छात्र क्या कहते हैं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वही अमित शाह पूरे देश में आग लगाने के बाद जब जबलपुर शहर में आ रहे हैं, तो हमारी मांग थी कि जबलपुर शहर ये अमन चैन भाईचारे का शहर है, मां नर्मदा का शहर है, ये जबलपुर शहर हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, तो हम ये और अभी कुछ ही दिनों पहले जबलपुर शहर में ये बीजेपी के लोगों ही द्वारा ऊपर तो मचाया गया, जिसके कारण जबलपुर शहर में कर्फ्यू भी लगा था और वही काम आग में घी डालने का काम अमित शाह करने आने वाले थे। इसी के मद्देनज़र हमने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया और प्रशासन को पहले ही हमने जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने सख्त रवैया और अड़ियल रवैया अपनाते हुए पूरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और हमें भी आज नज़रबंद कर अपने घर ही में कर लिया रहा जी। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले दिनों हिंसा की गई थी, हाँ। लेकिन जो पुलिस कार्रवाई है उसमें तो SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हजरत उल हक को गिरफ्तार किया गया है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आंदोलन? मीडिया का और पुलिस प्रशासन का रवैया एक तरफी रहा। अगर निष्पक्ष जांच होती, ईमानदारी से जांच होती, किसी रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के निर्देश में, देख रेख में जांच होती, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पूरे कार्यकर्ता JNU में घुस के जो नकाबपोश कार्यकर्ता हैं, पूरे एक तरफा पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो AVP के लोग हैं। इसमें ये तो नेशनल मीडिया द्वारा बरगलाया गया हुआ है और दिल्ली पुलिस उनकी जेब में आएगी। और इसके अलावा आप NRC की बात करें, NRC तो देश भर में लागू करने की अभी कोई योजना ही नहीं है, सरकार ऐसा कह रही है। अभी योजना नहीं है ना, गला फाड़ फाड़ के तो नरेंद्र मोदी जी से चिल्ला रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह चिल्ला रहे थे, वो तो झारखंड का रिजल्ट आने के बाद, जब पूरी बीजेपी, पूरी RSS, पूरा संघ बैकफुट में आ गया झारखंड का रिजल्ट आने के बाद, तो ये बैकफुट में आ गए। अब इनके मुँह से चू से चाली निकल रही है और अब ये बैकफुट में है, इसलिए अब NRC की बात नहीं हो रही है। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के आपका विरोध क्या है, किस लिए विरोध कर रहे हैं आप? हमारा विरोध लोकतांत्रिक विरोध है। हम ये कह रहे हैं कि जब CAA में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं, तो उसमें हमारी और कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको भी आने का मौका दिया जाए। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, ये संविधान को लेकर चलने वाला देश है, संविधान को मानने वाला देश है। मतलब सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या के नहीं आने देने का विरोध आपके द्वारा किया जा रहा है? भाई मुस्लिम और देशों में मुस्लिम भी बेचारे परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परेशान नहीं है। और देशों में जब हम संविधान जो बना था, संविधान क्या कहते हैं सब लोगों के लिए बना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बना था, तो हम चाहते हैं कि सबको नागरिकता दी जाए ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन भाईचारे के साथ सब रह सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिन देशों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन को आने की अनुमति दी जा रही है, वहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और यहाँ पे धार्मिक शोषण को आधार बना करके नागरिकता देने का प्रावधान CAA के अंतर्गत किया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को भी देश के अंदर अनुमति देनी चाहिए नागरिकता के लिए? देश में आज आप माहौल देखेंगे, घटती हुई GDP,
देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है ना, आप इसको नहीं, हम तो अभी से ये है कि ये है। अभी हम तो नागरिकता संशोधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी और ये मुद्दे कहाँ से आप? भैया देश में लोकतांत्रिक तरीके से बिल पास कराना होता है, ये नहीं होता है कि आप पुलिस की क्या कहते हैं, पुलिस के बल पे बलपूर्वक कोई भी बिल आप पास कराएं और बिल पास हो गया है, लेकिन बिल में कुछ संशोधन भी हो सकते हैं, उस संशोधन करिए और जो पीड़ित वाकई में जो पीड़ित लोग हैं उनको भी मौका दीजिए। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन और भी पीड़ित लोग हैं उनको भी मौका दीजिए आप। मतलब किसी भी धर्म के पीड़ित हों, धर्म की बाध्यता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पीड़ित पीड़ित होता है, पीड़ित का कोई धर्म नहीं होता है भैया, पीड़ित का कोई धर्म नहीं, पीड़ित पीड़ित होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और जेएनयू और जामिया इस्लामिया की बात की, पिछले दिनों जो विरोध प्रदर्शन हुए इसके साथ ही साथ मारपीट भी हुई और कई सारी घटनाएं घटित हो रहे हैं क्रमिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है क्या कि मतलब छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है? टोटल पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा संघ लगा है कि जेएनयू में जो एबीपीपी को छोड़ जितने संगठन हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो अपनी सत्ता वहाँ काबिज कर सकें। एक तरफ देश में घटती पूरे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और इसी क्रम में बीजेपी लगी है कि हम जेएनयू में भी अपनी सत्ता काबिज करने के लिए वो पुलिस के बल पे, आप अगर पुलिस से पूछे जाएंगे, दिल्ली पुलिस से पूछेंगे तो पुलिस भी इसके खिलाफ है, लेकिन पुलिस की मजबूरी है अपने आकाओं का आदेश सुनना, पुलिस की मजबूरी है, पुलिस के दम पे जेएनयू को कुचलने का काम किया जा रहा है, जेएनयू के छात्रों को कुचलने का काम किया जा रहा है, जेएनयू की आवाज़ को कुचलने का काम किया जा रहा है, सो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, अभी माखनलाल यूनिवर्सिटी में 23 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, इसकी जानकारी लेके मैं आपको सूचित करता हूँ, इस बारे में आपसे बात करता हूँ, इसकी मतलब जानकारी इस बारे में आप कुछ भी नहीं बोलना चाहें? नहीं, इस बारे में मैं बोलना बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी लेने दीजिए, मैं आपको तुरंत फिर आपको। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार छात्रों के हितों के लिए क्या योजनाएं ला करके काम कर रही है? कांग्रेस की सरकार शुरू से छात्रों के हितों की काम करती आई है, माननीय विकास पुरुष नर्मदा पुत्र कमलनाथ जी छात्रों के हितैषी हैं और छात्रों के लिए काम आगे भी निरंतर करते रहेंगे। एक लाइन में हम जानना चाहेंगे NRC CAA और जो कानून है आपके नज़र में जिसका विरोध आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारा सरकार से यही मांग है कि हमारा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखें, सबको विश्वास में लेके बात करें, विपक्ष को विश्वास में लेके बात करें, देश की जनता को विश्वास में लेके हर काम करें। जब देश की जनता ही को विश्वास नहीं होगा तो आप देश की आवाज़ देश की और द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।